धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आदि अनादि काल में माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए यह व्रत किया था। इस व्रत को करने से सौभाग्यवती स्त्रियों को पति, पुत्र, संतति और पुत्रादि सुखों की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हर तालिका तीज पर कुछ कामों का करना वर्जित बताया गया है। यदि आप व्रत के दौरान यह कार्य करते हैं तो आपको व्रत का विपरीत फल प्राप्त होगा। हर तालिका तीज पर किन कामों का करना वर्जित बताया गया है, इसकी अधिक जानकारी लोकल 18 को देते हुए हरिद्वार के विद्वान ज्योतिषी पंडित सिरधर शास्त्री ने बताया कि सनातन धर्म में यह व्रत बेहद ही खास और सौभाग्यवती प्रदान करने वाला है। हरी तालिका तीज पर्व 6 सितंबर को आ रहा है, जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष में आएगा। तो इस व्रत में कौन कौन सी बातों का निषेध होता है वो मैं बताना चाहता हूँ। कि क्रोध न करना, क्रोध करना बहुत ही बुरी बात होती है, उससे हमारे धर्म कर्म के काम सिद्ध नहीं होते हैं। व्रत नहीं तोड़ना, तो व्रत तोड़ना बहुत बुरी बात होती है। जो भी हम धर्म कर्म के कार्य करते हैं उनमें कभी उपहास या कोई उसे साधारण रूप से नहीं लेना चाहिए। धर्म कर्म के कार्य को बहुत ही शुद्धता से करना चाहिए। इस प्रकार करना अशुभ माना जाता है। आगे ये बताया कि रात में नहीं सोना, रात्रि में इस व्रत में सोना नहीं चाहिए। तो इसके दौरान इस समय जो हमारा ये समय होगा उसको हम भक्ति भाव में ही भगवान शंकर की जो किसी स्तोत्र पाठ कोई भी हमारा रुद्राष्टक इत्यादि कोई भी हमारा हम स्तोत्र कर सकते हैं। तो ये करना बहुत ही हितकर होता है। पति के साथ झगड़ा, कलह इत्यादि नहीं करना है, क्योंकि यदि हम अपने पति के साथ ही झगड़ा कर रहे हैं तो हमारा सब पाठ पूजा व्यर्थ हो जाता है। सबसे बड़ी बात ये होती है, पति जो होता है वो भी एक स्वामी का रूप है, अर्थात परमात्मा का ही रूप होता है पत्नी के लिए, ऐसा हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है। बड़ों का अपमान नहीं करना है, जैसा कि बताया शास्त्रों में भी, अभिवादन शीलस्य नित्यं प्रदोप सेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय सोबलम्। ये बताया है कि बड़ों को नित्य प्रति प्रणाम करने से आयु, विद्या और यश और बल में वृद्धि होती है। की कथा को अवश्य ही सुनना, जैसे कि कोई भी हम धर्म कर्म कर रहे हैं तो उसकी कथा को भी अवश्य सुने, उसमें लापरवाही न करें। और यदि उसमें कोई पीछे कोई आरती है या कोई एक्स्ट्रा प्रार्थना है उसको भी पूरा करें, उसका पाठ पूरा ही होना चाहिए जैसा भी विधान उसमें बताया गया। तो जैसा कि बताया है हरियाली तीज जो भगवान शंकर और पार्वती जी के समर्पित है, उनकी पूजा करने से, उनका यह व्रत और कथा सुनने से जो भी हमारी सौभाग्यवती स्त्रियां हैं उनकी मनोकामना, ग्रह क्लेश, कष्ट और सभी के स्वास्थ्य में वृद्धि होती है और परिवार में एक शांति का वातावरण बना। व्रत के समय जब हम व्रत करते हैं तो पवित्रता बनाए रखें, तो पवित्रता का बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि धर्म कर्म का कार्य हम पवित्रता से करते हैं और पवित्रता बनाई हुई है तो पवित्रता से हमारी आधी पूजा पूरी हो जाती है। क्यों? जो स्वच्छता होती है उसी में लक्ष्मी का निवास है, उसी में हमारे जो है परमात्मा का निवास है। इसीलिए स्वच्छता का बहुत बड़ा महत्व होता है। और स्वच्छता के दौरान उस समय हम अगर पूजा करते हैं अपने भोलेनाथ जी की और पार्वती जी की, तो उससे हमारी पूजा और भी अच्छी होती है, उसका हमें और कई गुना फल प्राप्त होता है। दूध न पीना, दूध इस हरियाली तीज व्रत के दौरान, हरियाली तीज में यदि सौभाग्यवती महिलाएं दूध का सेवन या भूल से भी दूध पीती हैं तो उसका बहुत बड़ा दोष लगता है। अभिप्राय है कि जो अगला जन्म है उसको सर्पणी का मिलता है, जैसे सांप दूध पीता है ना, तो वो सांप की योनि उसको मिलती है अगले जन्म में, शास्त्रों में ऐसा विधान है। इसके अतिरिक्त जो फल न खाना, फल का भी निषेध बताया गया है, फल भी नहीं इस व्रत में सेवन करना चाहिए।
यदि फल का सेवन करते हैं तो अगले जन्म में जो है वानर की योनि प्राप्त होती है, तो इसीलिए फल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। यदि हम इन बातों का पालन नहीं करते हैं तो हमें इसका विपरीत फल मिलता है, अर्थात हमें अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं और हमें अनेक प्रकार की व्याधियां और जीवन में कई कष्ट आते हैं।